क्या रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर बनने वाले हैं लव रंजन की अपकमिंग फिल्म का हिस्सा? क्या है रणवीर कपूर की आने वाली फिल्म्स का नाम? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका चियाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। हाल ही में रणवीर कपूर ने लव रंजन की एक फिल्म साइन की है जिसमें वो अजय देवगन के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन रणवीर कपूर ने इसी बीच एक और सरप्राइज दे दिया है और वो ये है कि उन्होंने लव रंजन की एक और फिल्म साइन कर ली है और इस फिल्म में रणवीर कपूर के अपोजिट श्रद्धा कपूर नजर आने वाली हैं और ये पहली बार होगा जब रणवीर और श्रद्धा स्क्रीन शेयर करेंगे। आपको बता दें, लव रंजन को बॉलीवुड का बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर माना जाता है। लव रंजन ने प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, आकाशवाणी जैसी धमाकेदार फिल्में दी हैं और दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है। और अब लव रंजन एक बार फिर से आपके सामने कुछ और मूवीज लेकर आ रहे हैं। रणवीर कपूर की फिल्मों की बात करें तो वो आजकल अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी है। फिल्म में रणवीर कपूर के अपोजिट आलिया भट्ट नजर आएंगी। इन दोनों ही कपल का फैंस को बेसब्री से ऑन स्क्रीन देखने का इंतजार था और फाइनली ब्रह्मास्त्र से उनका ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन भी फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल 2020 को रिलीज होगी। इसके अलावा रणवीर कपूर यशराज फिल्म स्टूडियोज की पीरियड ड्रामा फिल्म शमशेरा में नजर आएंगे। ये फिल्म भी अगले साल 2020 में रिलीज होगी। फिल्म में संजय दत्त और वाणी कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को करण मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म डकैत जनजाति की कहानी पर आधारित है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते हैं। शमशेरा फिल्म का मुख्य किरदार है जो रणवीर कपूर प्ले करने वाले हैं। रणवीर कपूर शमशेरा और उसके पिता का किरदार करने वाले हैं, यानी कि फिल्म में रणवीर कपूर को डबल रोल में देखा जाएगा। वहीं वाणी कपूर एक नर्तकी की भूमिका में नजर आएंगी। आपको रणवीर की फिल्मों का कितना इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।